पढ़ेंगे स्क्रैच प्रोग्रामिंग के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं जो हेल्प करती है एनिमेशन स्टोरीज क्रिएट करने में गेम्स क्रिएट करने में तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम स्क्रैच को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है मैं गूगल क्रोम यूज कर रही हूँ आप गूगल क्रोम यूज़ करिए उसको ओपन करने के बाद गूगल डॉट कॉम टाइप करेंगे आप एड्रेस बार में उसके बाद यहां पे जहां पे मेरा कसब लिंक कर रहा है वहां पे मैं टाइप कर रही हूं स्क्रैच वन पॉइंट फोर डाउनलोड जैसे ही आप स्क्रैच वन पॉइंट फोर डाउनलोड यूज टाइप करेंगे टाइप करने के तुरंत बाद आप देखेंगे इस तरीके के लिंक आपके सामने आ जाएंगे जो सबसे पहला लिंक है दैट इज स्क्रैच डॉट एम आई टी डॉट ई डी यू ये बिल्कुल करेक्ट लिंक है आप इसको क्लिक करेंगे एक आधार विंडो में ओपन कर लेते हैं कुछ कुछ सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि स्क्रैच टू अगर आप काफी ओल्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्क्रैच टू वर्क ना करे तो आप उसका एक ओल्डर वर्जन यूज कर सकते हैं जो कि मैं स्क्रैच 1.4 की बात कर रही हूं आप स्क्रैच 1.4 यूज कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं आपको स्क्रॉल करना है नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे विंडोज की एप्लीकेशन है हर तरीके की यहाँ पे विंडोज के लिए भी स्क्रैच है ओएस के लिए भी स्क्रैच का डाउनलोडर फाइल दिया हुआ है आपको कुछ नहीं करना मैं विंडोज यूज कर रही हूं आपको स्क्रैच इंस्टॉलर वाली फाइल पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोड होने के बाद ये सीधा आपके कंप्यूटर के डाउनलोड्स में आ जाएगी आप देख सकते हैं स्क्रैच हमने डाउनलोड करी वो मेरे सिस्टम के डाउनलोड्स में आ गई अब डाउनलोड्स में जब स्क्रैच आ गई है अब मुझे स्कोर गया है नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे प्रोग्राम की चेंजेस ये आपका जो ये फाइल आपने इंस्टॉल की है या आपके डिवाइस के आपके सिस्टम के सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यह स्क्रैच जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी नेक्स्ट पे क्लिक करिए स्क्रैच नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इस तरीके का एक प्रोसेस चलेगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा लगभग लगभग दो, तीन मिनट नेक्स्ट फिनिश पे क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में स्क्रैच 1.4 जो है वो मैं इंस्टॉल कर पा रही हूं और इसका जैसे ही आप देखेंगे इसका एक शॉर्टकट भी क्रिएट हो गया है मेरे डेस्कटॉप पे। सो तो इस तरीके से आप जो है वो स्क्रैच अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं सो इंजॉय कीजिए स्क्रैच प्रोग्रामिंग डाउनलोड करिए अपने सिस्टम में दैट्स इट फॉर द डे हैव अ नाइस डे है